हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? तो आज हम बनाएंगे गणेश जी की मूर्ति। गणेश चतुर्थी आ रही तो मैं घर पर ही गणेश जी की मूर्ति बनाती हूँ। तो इसके लिए मैंने ली है पीली मिट्टी। मैंने मिट्टी को पानी डालकर इस तरह से कर लिया है, ये ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा ही सख्त। तो बनाते हैं गणेश जी की मूर्ति। पहले गणेश जी की चौकी बना लेते हैं। तो उसके लिए एक इतनी मिट्टी ले लेते हैं और चौकी बनाते हैं। चौकी आप गोल या चौकोर कैसी भी बना सकते हैं, तो मैं गोल चौकी बना रही हूँ। तो चौकी हमारी बन गई है, तो अब गणेश जी बनाते हैं। तो मिट्टी को इस तरह से कर लेना है और चौकी पर ऐसे गणेश जी को बिठा देना है मिट्टी। पीछे से इस तरीके से होनी चाहिए और आगे से थोड़ा गोल सा होना चाहिए इस तरीके से। तो गणेश जी के सिर बना लेते हैं। एक लकड़ी लगा देंगे। सिर के लिए एक छोटी सी बॉल बनाएंगे इस तरीके से और वो इस लकड़ी में फिट कर देंगे। गणेश जी की सूंड बनाते हैं अब। तो गणेश जी की सूंड हमें इस तरीके से बनानी है। चिपका देते हैं इसे भी, थोड़ा सा पानी लगाएंगे। इस तरीके से गणेश जी की सूंड हम चिपका देंगे। अब गणेश जी के कान बना लेते हैं। इस तरह से कान बनाने हैं, चिपका लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे। इस तरह से कान बनाने हैं, चिपका लेंगे, थोड़ा सा पानी लगा के। कान बन गए हैं, अब बनाते हैं गणेश जी के पैर। तो गणेश जी के पैर बनाने हैं, लगा देते हैं, थोड़ा गीला करेंगे। गणेश जी के पैर भी बन गए, बनाते हैं हाथ। इस तरह से हाथ बनाना है। इस हाथ में हम गणेश जी के लड्डू रखेंगे, इस तरह से बनाना है। दूसरा हाथ भी बना लेते हैं। तो गणेश जी हमारी बनकर तैयार हैं। सूखने देते हैं इनको, छाया में ही सुखाने हैं, धूप में नहीं सुखाने। धूप में सुखाएंगे तो ये चटक जाएंगे और फिर इसके बाद हम इन पे कलर करेंगे। तो गणेश जी हमारे सूख गए हैं, तो इन पे कलर कर लेते हैं। स्किन कलर करना है। गणेश जी पे कलर हमने कर दिया है, अब सूखने देंगे। गणेश जी का कलर सूख गया है, दूसरा हल्का सा दूसरे का शेड और दे देते हैं स्किन कलर का।
गणेश जी का स्किन कलर भी सूख चुका है, तो हम इनको डेकोरेट कर लेते हैं। आप किसी भी कलर का यूज कर सकते हैं, मैं इसमें फैब्रिक कलर का यूज करूंगी। आप वाटर कलर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम लड्डू को बनाएंगे येलो। तो मैंने गणेश जी की धोती पर सितारे चिपकाए। आप कुछ भी स्पार्क कलर कुछ भी कर सकते हैं, ग्लिटर वगैरह कुछ भी कर सकते हैं। तो गणेश भगवान जी की मूर्ति बनकर बिल्कुल तैयार है। 2 से 3 दिन में गणेश भगवान जी की मूर्ति बनकर बिल्कुल तैयार हो जाती है। मैंने गणेश भगवान जी को इस तरह से डेकोरेट किया है और ये पगड़ी भी मैंने घर पर ही बनाई है। तो इस गणेश चतुर्थी आप भी गणेश भगवान जी की मूर्ति घर पर ही बनाएं। अगर आपको गणेश जी की मूर्ति पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको गणेश भगवान जी की मूर्ति कैसी लगी। थैंक यू।